आपको दिखाई थी जूम करके, जो बंदे बैठे हुए थे ये तो सही आपको क्लियर नजर नहीं आए होंगे। आई होप आपको हिंट मिल गया होगा, हमने उस तरफ जाना है, जो दोस्त कब से गुम हुए थे वो वापस मिल गए दरिया के साथ। अब हम मेरे ख्याल से सलाम दुआ करें, जगह पे आ गए सारे दोस्त इकट्ठे हो गए, साथ दरिया बह रहे असगर जो तस्वीरें सिखाए मशगूल है, और पानी का भाव बहुत तेज, बहुत ठंडा पानी है, प्यास लगी है, दिल तो बहुत है भैया। क्या असगर का कहना है, असगर नहा गया अंदर, पता नहीं कितनी बात में सच्चाई है यार, चलो मान लेते हैं यार, कोई बात नहीं मान लेते हैं यार, कोई बात नहीं। इस पानी में ये नहा क्या है आप खुद बताएं, इस पानी में ये नहा क्या है, चलो प्यास बहुत लगी है यार, क्या किया है, पानी पी रहे हैं वाला, साफ पानी है, बहता पानी है, तेज पानी है, आई थिंक सो वी शुड ड्रिंक इट, बहुत प्यास लगी है यार, अब जो भी है ठीक दे यार, बिस्मिल्लाह पढ़िए। कैप्टन फैजल ये कह रहा है कि वो इस पानी में ना आराम से खड़े हो जाएंगे, भाई कोई नहीं बताओ, इस पानी में खड़े होना दूर की बात है, और अगर तो निकल जाओगे। ओह यार हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं यार, यकीन मानो बहुत एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन एक बात आपको कहूँगा, इतना एंजॉय किया ना तो अल्लाह का शुक्र भी लाजमी अदा करना है, क्योंकि वही तो है जिसने सारी कायनात बनाई है, वही तो है जिसने दरिया बनाए, सब कुछ किया है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये सब कुछ बनाया है, और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि हमें मौका दिया है कि हम ये चीज़ देख सकें यार, तो हमारा पहले तो फ़र्ज़ बनता है, फर्ज बनता है कि हम शुक्र अदा करें, भैया तो हम जितना मर्जी शुक्र अदा करें उसके लिए बहुत कुछ भी नहीं है, हम उसका शुक्र अदा कर ही नहीं सकते, लेकिन बीइंग मुस्लिम ये हमारा फ़र्ज़ है यार कि शुक्र अदा तो करें ना, हमारा शुक्र किस तरह किसी काबिल ही नहीं है कि कबूल हो जाए, लेकिन अल्लाह की ज़ात बड़ी रहीम है, बड़ी करीम है, हो सकता है ये कबूल कर ले, हमें इसका अजर मिल जाए, सवाब मिल जाए यार, तो जहाँ भी जाओ जब भी जाओ अल्लाह का शुक्र लाजमी अदा करो यार, हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करो। तो डेफिनेटली बहुत आम होगी, बहुत ज़्यादा, लेकिन मेरे लिए ये चीज़ बड़ी नई टाइप है, क्योंकि मैंने आज तक नेचुरली ये पत्थर नहीं देखा, ये बहुत आम सा पत्थर है, लेकिन इसके ऊपर ये शायद मैं आपको दिखा दूँ, ये हल्का हल्का ग्लिटर आ रहा है, जो मुझे बहुत अंदर से ना अजीब सा महसूस करा रहा है, जैसे मैंने कोई बहुत ख़ास चीज़ देख ली है, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ, ये है वही पत्थर जिससे अब आमतौर पर अपने घर में जो नाइफ्स वगैरह होती हैं, छुरियाँ वगैरह होती हैं, बहुत तेज़ लगता है, लेकिन है बहुत प्यारा यार, मुझे बड़ा प्यारा लगा, मैंने इसलिए मैंने कहा चलो आराम सी चीज़ है लेकिन अच्छी लग रही है, तो हम बना इसलिए रहे कि जो चीज़ मैं एक्सपीरियंस करूँ आपको वही एक्सपीरियंस कराऊँ, इसलिए मैंने इसकी भी वीडियो आपके साथ शेयर कर, इसको भी आपके साथ शेयर कर। अब मैं और फैसल अपने पिकअप पॉइंट पर जा रहे हैं, जहाँ से कोस्टर हमें पिक करेगी, ऐसे ऐसे चल रहे हैं क्योंकि शाम भी हो रही है, काफ़ी टाइम हमने यहाँ इंजॉय कर लिया, बट लाइफ डज नॉट एंड हियर, आगे भी जाना है, पहले होटल जाएंगे, आपके साथ अगले व्लॉग भी बनाने हैं, आपको अपने बाकी का एक्सपीरियंस भी शेयर करना है, आपके साथ शुक्रान भी जाना है, ये सारी जगह जानी है, तो अगर हम यहीं रुके रहे तो बात नहीं जाती, तो इसलिए हम इस जगह के एंड तक चलते हैं, स्कूल विदा करने के लिए आगे चलते हैं, लेकिन उससे पहले रास्ते में
जो जो चीज़ हम शेयर कर सके, जो जो मैं एंजॉय कर सका, कोशिश करूँगा कि आपको वो चीज़ मिले। पिछले साल आए, सात साल के बाद Very nice. It's really one of the best places I've been. Pakistan, the people especially. How many countries you visit? More than 30. Oh yeah. Which was your favorite country? Yes. I think you like the most Berlin of Germany. Berlin, Germany. Lebanon. These two are the best. Well, of course, it's not like here also. The Pakistani numbers are soon getting up high. Oh yeah. I see more because I live in those places for a few months or years, so I know a lot about that. But here, I want to try living. Okay. How you feel? Your attraction and your heart loving the beauty of Pakistan is getting higher. Very high already. People so nice. Maybe one big problem is a lot of times we cannot communicate because I don't speak Urdu. And not many people I meet speak English. The big problem is communication. Yeah, everywhere on earth basically. आप इससे कुछ चाइनीज़ जाते जाते हमने इनसे भी बात कर ली. They belong from China, but I say Hong Kong, not from China. We enjoyed a lot. हमने इनके साथ थोड़ी सी बातचीत की. सारी बात तो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सका, लेकिन हमने काफ़ी इनसे बात की, काफ़ी इंटरेक्शन हुई हमारी इनके साथ और बड़ा मज़ा आया. इन शॉर्ट, दे आल्सो लाइक पाकिस्तान लॉट. उन्हें यहाँ के लोग बहुत पसंद है. उन्होंने कुछ 5-6 वर्ड्स भी यहाँ के सीख लिए हैं, जैसे बस, डू, और एक वर्ड हमने इन्हें सिखा दिया, दे वॉन्ट टू नो अबाउट लव. But we say love in English, in Urdu. हमने उन्हें बताया हम प्यार को कहते हैं, एक वर्ड हमने भी उन्हें सिखाया. और इसी तरह हमारी इंटरेक्शन हुई थोड़ी देर. इसके बाद हमने उन्हें अलविदा किया है और अब हम खुद इस जगह को अलविदा करने वाले हैं. बस अब इंतज़ार है कि गाड़ी कब आएगी और हम यहाँ से कब चलेंगे. आखिरकार अब हम अपने होटल में वापस आ चुके हैं. रात भी काफ़ी हो गई है, भूख भी लगी है यार, कुछ खाया भी नहीं. अभी चल के कुछ खाते हैं. आई होप आपने वीडियो इन्जॉय की होगी. मैंने कोशिश तो की थी कि मैं जो कुछ एक्सपीरियंस कर सकूँ आपको भी उसी तरह का एक्सपीरियंस. चलो मैं मिलता हूँ आपको अपने अगले व्लॉग में. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.